We are now honored to hear from our next speaker. It's my honor to introduce her, Dr. Reena Arora, an Ayurvedic practitioner, to share her insights and experiences with her. She is a renowned Ayurvedic practitioner and a frequent speaker at All India Radio and DD National. She is also the brand ambassador of Baidyanath Sundari Shakti. Dr. Arora has received several accolades for her contributions to the field of Ayurveda Including the Rashtriya Nari Shakti Award and the Outstanding Paper Award from Vedratnam. Dr. Arora is a prolific writer and has been recognized for her excellent writing skills, having won the, fun, the first prize from the Ministry of Ayush for an article writing competition on the prevention of diabetes and its management. The article can be read on her website. She has also delivered many health talks in corporate sectors.

किसी भी इवेंट को मैनेज करने के लिए पूरा एफर्ट लगता है जो दिखता भी नहीं है पीछे बहुत सारा काम होता है तभी हम ऐसे ही अटेंड कर पाते हैं किसी सेमिनार को या कॉन्फ्रेंस को चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का इसलिए हेड्स ऑफ टू दीज लेडीज वू आर डूइंग दिस वर्क। अब आज मेरी टॉक क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जैसा कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया थैंक यू फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन और इसीलिए बात आयुर्वेद की करेंगे विमेंस डे के बारे में मैम ने काफ़ी कुछ बताया उसके लिए मेरी सबको हार्दिक बधाई तो हेल्थ की बात करते हैं मैं देख रही हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं फैकल्टीज भी हैं बट स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो सबसे पहले लेडीज़ की हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो कई स्टेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाइट और लाइफ चेंज होना चाहिए जैसे आपको एक बच्चा है एक फीमेल है कोई भी नॉर्मल टेन इलेवन ईयर्स तक उनका सेम ऑलमोस्ट पैटर्न होता है बॉयज़ और गर्ल्स का उसके बाद जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो एक वीकनेस आती है गर्ल्स को कईयों को पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है मूड स्विंग्स होते हैं प्री मैस्ट्रल सिम्टम्स भी होते हैं तो इसमें अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप मेरे से पूछें तो इसको एक मिनी डिलीवरी की तरह हम ट्रीट करते हैं ये जो पैड्स की एड आती हैं सैनिटरी नैपकिन की और दिखाते हैं उसमें जंप करना और आप पैड ये वाला यूज़ करके आप ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं दिस इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जिसमें अगर आप रेस्ट करें तो आपकी हेल्थ बहुत बेटर होगी ये आपका बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सीफेसन हो रहा है और उसमें अगर आप ये सब रेगुलर्स एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आजकल जिम का भी बहुत ट्रेंड है गर्ल्स भी जाती हैं अच्छी बात है जाना चाहिए बट पीरियड्स में नहीं केरला गवर्नमेंट ने और कुछ एक दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और मैंस्ट्रल पीरियड में एक पेड लीव अलाउ कर दी है लेडीज़ को मैं उम्मीद करती हूँ पूरे इंडिया में ये ट्रेंड चले और आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तरफ से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के आयुर्वेदा की तरफ से ये एक हेल्थ रिकमेंडेशन है लेडीज़ के लिए कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तो हर साल ये वेमेंस डे मनाने की फॉर्मेलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो लेडीज़ उस टाइम वो दर्द में तड़फ रही हैं या उनको इतनी ब्लीडिंग हो रही है उसके बावजूद भी उनको काम पे जाना पड़ रहा है तो दिस इज़ नॉट फेयर इसको भी सम्मानित कीजिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है पी स्कॉलर हो एम स्टूडेंट्स हों बी हो, हो या फैकल्टी हो किसी को भी ये सबको लीव होनी चाहिए इस पीरियड की और सेकेंड इस पीरियड में कुछ चीज़ें और बता दूं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है अगर आप लोग कॉम्बीफ्लैम लेते हो दिस इज़ वेरी रॉन्ग मैं कुछ नेचुरल तरीके बता रही हूँ जितने भी लोग आप बैठे हो मेरे इस स्टॉक को दस गुना और आपने स्प्रेड करना है ताकि हम सोसाइटी में ही हेल्प कर सकें इस चीज़ से तो अगर किसी को पीरियड्स में पेन होती है तो आप सौंफ और अजवाइन का पानी बॉयल करके पी सकते हैं उन दिनों में कोई जंक फूड्स मत लीजिए भूख लगने पे खाइए ये तो वैसे भी रूटीन बना लीजिए कि जब आपको एक्चुअल भूख लगी है तब आप खाइए ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करें जब लेडीज़ अक्सर करती ऐसे ही हैं काम खत्म करने के लिए या जो भी खाना बचता है वो खुद को डस्टबिन की तरह ट्रीट करती हैं डोंट डू दिस अपनी ये वुमेंस डे आप खुद फील कीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है अपनी भी कोई फीलिंग है क्या आप जब अनमेरिड थे या अपने पेरेंट्स के पास थे तो ऐसे करते थे आप आपकी भी एक चॉइस होती थी तो अब क्यों तो ये चीज़ें खुद आपको वुमेंस डे इस तरह से मनाइए आप सिर्फ एक दिन का फंक्शन करके नहीं और दूसरी बात जो मैं पीरियड्स की बात कर रही थी अगर आपको पेन होती है एक तो ये सौंफ और उसका पानी लाइट मील्स लीजिए बिल्कुल सात्विक खाना दलिया खिचड़ी दूध ये हल्की हल्की चीज़ें बस और भूख लगने पे खाना है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीरियड्स में और पीरियड जैसे आपको डेट पता है तो एक दो दिन पहले कईयों को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बहुत तंग करते हैं उस टाइम से आप अजवाइन और सौंफ का पानी लेना शुरू कर सकते हैं देसी घी अच्छे से लीजिए पीरियड्स में अगर आप खिचड़ी दे हैं तो उसमें ऊपर से डाल के खाइए आपको पेन नहीं होगी दलिया ले रहे हो तो ऊपर से डाल के खाओ अब इसी के संदर्भ में एक बात और बताऊंगी यस 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 दही की तस्वीर गर्म होती है ये मिथ है जो सबको लगता है दही ठंडी है दही की तसी इसीलिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जब पीक विंटर्स होती हैं नवंबर दिसंबर जनवरी हेमंत और शिशिर ऋतु अकॉर्डिंग टू तो इंडियन कैलेंडर उस टाइम एडवाइज़ किया गया है कि आपको दही खाना चाहिए और लोग अक्सर छोड़ देते हैं वो गर्मियों में खाना शुरू करते हैं गर्मियों में आपको लस्सी पीजिए आप वो उसके लिए वो एक ठंडा ऑप्शन है उसका किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं ना तो उसकी कुकिंग से हम उसकी क्वालिटीज चेंज कर देते हैं अगर आप किसी चीज़ को देसी घी में बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी तासीर कुछ हद तक ठंडी कर दी आपने अगर आप उसको तिल के तेल या सरसों के तेल में कुकिंग कर रहे हो तो आपने उसको तासीर उसकी गर्म कर दी तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि आप किस चीज़ से कुकिंग कर रहे हो कौन से बर्तन यूज़ कर रहे हो बेस्ट जो यूटेंसिल्स हैं आयरन के पितल के या स्टील के एल्युमिनियम के बर्तन ना यूज़ करें घरों में ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए मैं बीच में बता रही हूँ और एक जो जैसे मैम ने दही का पूछा है अब दही को मैं खाने के तरीके भी बता दूँ इसी टॉपिक में कि दही आपको खाने कैसे चाहिए मान लो आपको पूरा साल दही खाने की आदत है और कुछ पीरियड ऐसे हैं जैसे गर्मियों में दही मना करते हैं आयुर्वेद में क्योंकि वो गर्म है उसकी तासीर तो उसमें आपको अगर दही खानी है तो आप आंवले का पाउडर डाल के उसको खा सकते हैं मूंग साहब वो दाल का पानी डाल के खा सकते हैं थोड़ा सा दही देसी घी एक दो ड्रॉप्स डाल के खा सकते हैं शहद की तीन चार ड्रॉप्स डाल के खा सकते हैं तो ये चार तरीके टेक्स्ट बुक में मैंशनड हैं करके देखिएगा जिनको स्वेलिंग होती है घुटनों में या वाटर टेंशन की प्रॉब्लम है अगर वो दही खाएं तो वो डबल हो जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा और दूसरा एक चीज़ और जिसमें दही हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं रैशेज हो जाते हैं इचिंग बहुत ज़्यादा होती है वो भी दही ना खाएं दही क्या कुछ भी खट्टा ना खाएं वो बढ़ेगी वो प्रॉब्लम अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आ रही हूँ पीरियड्स की बात कर रही थी मैं जिनको पेन बहुत ज़्यादा होता है अगर वो एक दो दिन पहले अपनी लोअर एबडामन पे ऑयल लगाएंगे तो वो उनको हेल्प करेगा अपने आप को उस पेन से निजात पाने में और आपको वो पेन कम होगी वैसे भी अगर आप अपनी मसल्स को मेंटेन करना चाहते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो अगर डेली पॉसिबल है तो डेली अदरवाइज वीक में एक या दो बार अगर बॉडी पे ऑयल लगाएं सिंपल तिल का तेल कोई ज़्यादा मॉडर्न में चीज़ें नहीं बता रही हूँ उसको लगाइए रात को लगा के सो जाइए क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता है सबके पास और सुबह अपना रूटीन फॉलो कीजिए एक रफ दिनचर्या भी मैं बता रही हूँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सुबह जल्दी उठिए चार या पाँच बजे और अब ये सारे कहेंगे ये तो हम सुन ही रहे हैं ये मैम ने क्या बताया कोई नई बात थोड़ी है लेकिन मैं इसके बेसिस बताऊंगी आपको कुछ लोग आजकल ट्रेंड है रात को बहुत जागते हैं या फ़ोन पे लगे रहेंगे बच्चे भी दो दो बजे तक तीन चार पाँच बजे तक सोते हैं नहीं नहीं मैं सारी रात पढ़ता हूँ बॉडी की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको मशीन मत बनाइए ये कोई एक रॉबर्ट नहीं है जो आपके अकॉर्डिंगली जब मर्जी जगा दिया जब मर्जी सुला लिया डोंट डू दिस इसी से आजकल बच्चों को भी थायराइड की प्रॉब्लम पीसीओडी की प्रॉब्लम और कई मेमोरी इश्यूज़ फॉलिंग ऑफ अफेयर ये सब चीज़ें होने लग गई हैं क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली बॉडी को चलाते हैं किसी फिर रात को अगर जागते हैं तो दो दो बजे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं फूड और वो जंक फूड्स खाते हैं बच्चे तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग ये मत कीजिए अगर आप नेचुरल फ़ेस का ग्लो चाहते हैं तो सुबह उठ के आपका पढ़ाई का आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा आपके पास अपने पास टाइम भी ज़्यादा बचेगा अक्सर ऐसे जो करते हैं सारा दिन लथार्जिक रहते हैं वो बच्चे तो सुबह उठिए टॉयलेट वगैरह जाइए दोनों नॉस्टल्स में पिल्लो निकाल देना ऐसे करके दो दो ड्रॉप्स ऑयल डालिए ये ऑयल बादाम का तेल कोकोनट ऑयल या अनु तेल ये दिनचर्या का एक पार्ट है कोई मेडिसिन नहीं है मैं इसके फायदे बताती हूँ तो मुझे उम्मीद है आप लोग कल सब डालेंगे इसको दिस इज़ वेरी गुड फॉर आइज़ जिनको ड्राई आईस इंड रोम है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या जिनके सिर में दर्द होती है माइग्रेन की प्रॉब्लम है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है फॉलिंग ऑफ हेयर्स है या मेमरी इन इशूज़ के लिए दिस इज़ कार्ड प्रतिमर्ष नस्य अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आप इस पर पे रिसर्च पेपर्स हैं बहुत सारे गूगल पर आप स्टडी करके उसको यूज़ कीजिए तो ये आप रूटीन में एक कीजिए उसके बाद पाँच मिनट लेटे रहना फिर अपना पाँच दस मिनट प्राणायाम करो और उसके बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम नहीं फटाफट पाँच छः बार करो और उसके बाद अपने दिनचर्या और फिर अपने जो भी आपको घर के काम करने हैं वो कीजिए आठ साढ़े आठ बजे नहा के एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके पाँच दस मिनट का नैप लेके उसके बाद फिर आप जाइए अपने काम पे स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज फैकल्टी हैं तो भी एक चीज़ आजकल आपने देखा होगा ठीक ठाक आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है और वो डेथ हो जाती है उसका रीज़न अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप लोग मेरे से पूछें तो वो वायु कूपित होना है जो देखा देखी बहुत ज़्यादा ओवर एक्जर्ट करते हैं ना हम कि आप सुबह उठ भी रहे हैं सारे काम भी कर रहे हैं जिम भी कर रहे हैं मतलब चैन नहीं है नैपिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप सुबह उठे हैं तो 10-15 मिनट सब कुछ करके 10 मिनट का नैप लेके अगर आप कॉलेज में आएंगे सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे या जहाँ भी आपको जॉब पे जहाँ भी जाना है क्योंकि लेडीज़ को एक लेडीज़ को क्या किसी को भी अगर आठ घंटे की जॉब है पूरा टाइम आपको कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला उसके बाद तो ये अपना रूटीन ऐसे कीजिए आप कि दस मिनट वो मिले आपको कि सब कुछ ख़त्म करके तैयार होने से पहले आप दस मिनट रिलैक्स करके फिर तैयार होके जाइए और फिर उसके बाद ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे एक फ्रूट आप डेली लीजिए एक प्लेट फ्रूट रादर मैं बोलूँगी लेडीज़ के लिए और एक से डेढ़ के बीच में लंच प्रेफरेबली दाल रोटी या दाल चावल आप ले सकते हैं और जैसे अब ये वसंत ऋतु तो स्टार्ट हो चुकी है इसमें दही मैं मना कर रही हूँ अगर किसी को बहुत शौक़ है तो शहद डाल के लीजिए और इसमें आप तक्र ले सकते हैं यानी छाछ ले सकते हैं और इसमें अदरक का रस एडवाइज है सबको कफ़ कोल्ड हुआ हुआ है आजकल ये जो नया एक वायरस आया हुआ है इन्फ्लुन्जा का बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है तो जिनको भी अगर है तो मास्क डालिए प्लीज़ ताकि कोविड की तरह दूसरों को ना हो ये और इसमें अगर अदरक का रस लेंगे तो आपकी हेल्थ और बेटर होगी तुलसी का डिकॉक्शन ले सकते हैं आप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल ग्लोई ले सकते हैं और इसके बाद अब पीरियड्स के बाद नेक्स्ट उस पर आती हूँ कुछ गर्ल्स अनमेरिड भी हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी पे आते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कंसीव करना जैसे अक्सर सारे करते हैं कि ऐसे ही कंसीव हो गया हो मैंने कंसीव कर लिया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है डोंट डू दिस इसको भी एक प्लानिंग से कीजिए आयुर्वेद में प्री प्रेगनेंसी प्रोसीजर्स एडवाइज किए गए हैं जिससे एक हेल्दी स्पर्म और एक हेल्दी ओवम के निर्मित होगी और एक हेल्दी बच्चे को आप जन्म देंगे अभिमन्यु के बारे में तो सबको पता होगा तो मैं उस गर्भ संस्कार की बात कर रही हूँ जिससे डीएनए तक चेंज हो जाता है रिसर्च हो चुकी है मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ तो इसलिए आप ये एक लाइन आयुर्वेद में मैंशनड है जैसे एक तेल का भरा हुआ एक कटोरा लेके कि अगर किसी को चलाते हैं तो वो कितना आराम से उसको चलना पड़ता है कि वो गिरे नहीं ऐसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखना चाहिए कि उसको कुछ भी दिक्कत ना हो ताकि जो बच्चा अंदर पल रहा है वो बिल्कुल एक उत्तम आईक्यू वाला हेल्दी हर तरह से एक अच्छा बच्चे को हम जन्म दें ताकि समाज के निर्मिति में हम हेल्प करें अपने लिए भी और समाज के लिए बर्डन ना बने क्योंकि अगर एक किसी का अनहेल्दी बच्चा हो जाए ईश्वर ना करे ऐसा तो कितनी वो सारी उम्र के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए जो भी बच्चे अनमेरिड हैं इस चीज़ के लिए पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग लीजिए उसके बाद प्रॉपर प्लान वे में कंसीव कीजिए और प्रेगनेंसी में भी एंटीनेटल केयर आयुर्वेद में एडवाइस की गई है हर महीने एक डिफरेंट डाइट एक डिफरेंट प्लांट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जैसे एक फिफ्थ सिक्स मंथ मंथ में बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो उस मंथ में कुछ ब्रेन टॉनिक्स एडवाइज़ किए गए हैं ताकि वो बेस्ट ब्रेन हो तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंगली डाइट और प्लांट्स एडवाइज़ किए गए हैं और एक चीज़ और अगर आप आयुर्वेदिक ए फॉलो करते हैं तो नाइन्टी एट नॉर्मल डिलीवरी होती है क्योंकि वो जो पाथ होता है और ना ही उतनी पेंस होती हैं मेरी एक फ्रेंड थी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ फोर्टी फोर्टी टू ईयर्स में उसने कंसीव किया बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी और उसको पता भी नहीं लगा कि उसकी डिलीवरी भी हुई है तो ये जो ये भी एक वायु का कारण है जो इतनी ज़्यादा पेन होती है आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है तभी जाके सिजेरियन होते हैं मैक्सिमम तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा जब आप इस प्रोसेस में आए अब मैं नेक्स्ट स्टेज में आती हूँ पोस्ट नेटल पीरियड जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है कुछ लेडीज़ का उस टाइम ध्यान नहीं रखा जाता जो बाद में भी उनको तंग करता है तो बहुत सीरियसली इस पीरियड को लीजिए अपना ध्यान रखिए ये चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते तो इस वुमेंस डे के कोई फायदे नहीं है अपनी हेल्थ को आपने खुद मेंटेन करना है मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी ये किसी ने नहीं करना मैं पब्लिक डीलिंग में हूँ मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ शायद किसी को बुरी भी लगे हर व्यक्ति काम करता हुआ अच्छा लगता है भागता हुआ अच्छा लगता है जब वो बेड पे बैठ जाता है या छोड़ देता है थोड़े दिन घर वालों की भी सिमती होगी उसके बाद आप समझ सकते हो उनकी भी थिंकिंग क्या होगी तो इसलिए मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी और नेक्स्ट पीरियड आता है मीनो इस पीरियड में जो लेडीज़ में चेंजेस होते हैं अब क्या है <coughs> गाड़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो सेम है उससे ज़्यादा ही हैं तो आपको अपने आप को मेंटेन करना है क्योंकि वो वीकनेस वो एजिंग जो चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम और एक रस क्षय आयुर्वेद में बोलते हैं यानी अंदर से आपको वीकनेस हो रही है इरिटेट होता है आदमी शोर से नहीं बर्दाश्त होता किसी का ज़्यादा बोलना या नॉइस पोल्यूशन और दूसरी बात उतना ही काम आपसे नहीं होगा ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जॉइंट्स में और पूरी बोन्स में तो उसको मेंटेन करने के लिए आप हर वीक या पंद्रह दिन में जब भी आपको टाइम है अपनी बॉडी का मसाज करवाइए शिरोधारा लीजिए किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो जानू बस्ती करवाइए ऑस्ट्रोथ्रैटिक चेंजेस बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं डिले कर सकते हैं मेडिसिन की उसके साथ ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी आप ये मत कहिए मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं लूंगा अगर किसी को वीकनेस लग रही है तो आप कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लीजिए नेचुरल सप्लीमेंट्स बहुत हैं क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है इसलिए एस्ट्रोजन बहुत सारे अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को मेंटेन करें और उसके बाद जैसे मैं बता रही थी जानू बस्ती दिस इज़ वेरी गुड फॉर डिलेइंग ऑस्ट्रोथ्रैटिक चेंजेस एंड प्रिवेंटिंग ऑस्ट्रोथराइटिस इवन नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक इससे प्रिवेंट हो चुकी है इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं मैं जो जो बात कर रही हूँ उसके बेसिस पे कर रही हूँ एक ग्रीवा बस्ती करते हैं हम सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए कटी बस्ती करते हैं मतलब उसमें बैक पे एक सर्कल सा लगाते हैं और ऑयल डालते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे दिस इज़ वेरी गुड फॉर बैक एक पेशेंट्स अब जो आप आठ आठ घंटे चेयर पर बैठे रहें तो ये जैसे आप सारे बैठे हैं दिस इज़ वेरी गुड फॉर नी ज्वाइंट दिस पोस्चर तो जब भी आप जो अपने रूम में बैठे हैं और अगर आप पॉसिबल है जिसके लिए भी ये लेग्स को चेयर पर बैठ के स्ट्रेट कीजिए मैं एक मिनट बता रही हूँ यहाँ से जिन जिनको नजर आ रहा है देखिए ये चेयर पर मैं बैठी दिस इज वेरी बैड पोस्चर फॉर नी ज्वाइंट तो आपको क्या करना है ये अपने घुटनों को सीधा करना है ऐसे ये टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठिए बीच बीच में जब आपके पास अपना काम करते रहिए बट अपनी टांगों को सीधा रखिए ताकि आपको ये ऑस्ट्रोएथराटिक चेंजेस जो हैं वो ना हो और जिनको घर पे टाइम नहीं मिलता मैं एक मुझे पता है लेडीज़ का टाइम बहुत शेड्यूल टाइट होता है ऑफिस में बैठे बैठे जब आप अकेले हो या जब आप फ्री हो दस मिनट हर एक घंटे के बाद ये एक्सरसाइज कीजिए पूरे जॉइंट्स को रोटेट कीजिए एक बार इसको हिलाया ऐसे करके ये रिस्ट एल्बो ऐसे ही नी जॉइंट नीचे एंकल को और पैर की उंगलियों को और सर्वाइकल के लिए क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा है आजकल हर एक घंटे के बाद ऐसे पीछे कीजिए आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑफिस में कीजिए आप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को मेंटेन करने में और अगर किसी को वेट बढ़ने की प्रॉब्लम है तो मेरे उसमें मैं एक दो चीज़ें और एडवाइस करूंगी। मीनोबॉज में अक्सर वेट बढ़ता है सबका चार पाँच किलो नॉर्मल है ये बढ़ना लेकिन आप उस वेट को देख के अपनी डाइट में से घी तेल को बिल्कुल डिलीट मत कर दीजिएगा दिस इज मोस्ट नेसेसरी इन दिस पीरियड क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस वैसे ही बढ़ जाती है वीकनेस है कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए बट देसी की कम मत कीजिए अगर आप अपने फेस का ग्लो मेंटेन करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को और अपनी मेमोरी को मेंटेन करना चाहते हैं तो मेरे लिए वीमेंस डे यही होगा अगर आप सब अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करेंगे एक चीज़ और मैंने बोली थी मिलेट्स ईयर क्योंकि 23 को माना गया है तो मिलेट्स का बहुत ट्रेंड है आजकल कौन कौन मिलेट्स यूज़ करता है अपने किचन में रागी इज़ वेरी गुड नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम तो अगर आप कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं खाना चाहते तो रागी को अपनी डाइट में ऐड करो जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में हैं हाइट इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगी क्योंकि उसमें कैल्शियम है दूध कम पीते हैं बच्चे आजकल लेकिन आप लोग ज़रूर पीना दूध क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ये और दूसरा जितने भी मिलेट्स हैं मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन जिनको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है ये नेचर होती है मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तीन दोष होते हैं वात पित्त और कफ जो वायु टाइप के लोग होते हैं यूजली थिन बेल्ट होते हैं वो चाहे कुछ भी खा ले पी लें उनका वेट नहीं बढ़ता और हाइपर एक्टिव होते हैं उनका दिमाग भी काम मुश्किल से होता है और सेकेंड है पित्त दे आर वेरी एग्रेसिव थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और यूजली फेयर कॉम्प्लेक्शन और थर्ड है कफ यूजली हैवी वेट ईजली नहीं उठते थोड़ा सा आलसी टाइप के ये तीन टाइप के दोष हैं लेकिन क्योंकि मीनोबाज में वायु बढ़ जाता है तो इसलिए इसमें आप ये जो मैंने देसी की बोला है इसको अपनी डाइट से मत निकालिएगा और मिलेट्स जो हैं यूजअली सारे वायु बढ़ाते हैं तो जिनको वायु की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ले इसको बाजरा बहुत गर्म है जिनको एसिडिटी है रैशेज़ हैं वो भी डॉक्टर से पूछ के लें क्योंकि अब सीज़न नहीं है बाजरे का जो बहुत ठंडा है जिनको पेंस हैं तो वो भी डॉक्टर से पूछ के लें इस तरह से थोड़ा सा आप डॉक्टर से पूछ के अगर मिलेट्स का यूज़ करें तो शायद आपको और बेटर उसके बेनिफिट्स मिलेंगे आपके आसपास जो भी वेंडर आते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पानी मिलाएंगे ना तो वो बेटर है पैकेट्स वाला दूध आप मत लीजिए गाय का दूध लीजिए और दूसरा दूध को आप तब लीजिए जब आपको वाक्य में भूख लगी है इंडाइेशन या किसी भी चीज़ का गैस बनना ये एक मेजर रीज़न है जब हम क्या करते हैं अगर हम टैंकर की तरह यूज़ करें कि अच्छा अब लंच टाइम है चलो लंच कर लो डिनर टाइम है चलो डिनर कर लो दूध टाइम है दूध पी लो डोंट डू दिस कभी उस भूख को महसूस कीजिए जैसे मजदूरों को भूख लगती है ना तो वो चीज़ आप करके देखना और दूसरा सौंफ बॉयल करके फिर दूध पीना और एक सेकेंड और चीज़ बता रही हूँ थोड़ी सी सौठ लेके एक पिंच और फिर थोड़ा सा दूध आधे कप से ट्राई करो आप मुझे उम्मीद है आपको पचेगा वो लेकिन उसको लेना थोड़ा सोने से पहले दो तीन घंटे और डिनर बिल्कुल लाइट करो आप फिर पचेगा आपको दूध ग्रे हेयर जो है अगर आयुर्वेद की इस लैंग्वेज में बात करूँ तो पित्त बढ़ने से होते हैं पित्त कब बढ़ता है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं जंक फूड्स खाते हैं इवन समर्स में भी लोग क्या करते हैं एसी में बैठे हुए हैं फुल ऑन वो मोमोज गार्लिक सॉस और ये सब वो गर्मी तो फील ही नहीं हो रही ना बॉडी को कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो हालांकि अब आयुर्वेद में हर सीज़न की डाइट अलग है विंटर्स में उड़द की दाल की पिनियाँ बाजरे की खिचड़ी और गर्मियों में सत्तू घिया तोरे टिंडे कितनी ठंडी हैं चीज़ें लेकिन ये ट्रेंड नहीं है फॉलो करने का तो अगर आप वाइटनिंग ऑफ हेयर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं सरसों का तेल डाइट से निकालिए रिफाइंड निकालिए देसी घी खाइए और जितने भी स्पाइसी चीज़ें हैं उनको कम कीजिए अपनी डाइट में फ्रूट्स बढ़ाइए दूध लीजिए आंवला लीजिए तो वो और दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में ऑयल डालने के लिए बोला था वो भी हेल्प करेगा रिवर्स करना मुश्किल है बट और नहीं होगा अदरवाइज तो स्टार्ट हो चुका है तो आपको पता ही है फिर कोलेस्ट्रॉल देसी घी से बिल्कुल नहीं बढ़ता ये इस पर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं आप गूगल कर लीजिए गाय का देसी घी अगर प्रॉपर आप खा रहे हो लेकिन आप अपना रूटीन ठीक रखिए ये नहीं कि आप सुबह दस बजे उठ रहे हैं रात को दो बजे सो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण खाली डाइट नहीं है स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है तो मेडिटेशन कीजिए रूटीन में लेडीज के लिए बहुत ज़रूरी है मुझे पता है उनको कई तरह के स्ट्रेस होते हैं तो वो सबको बताने की जरूरत नहीं बट मेडिटेशन करो और एक वो मूवी आई थी ना जस्ट जीरे सिमरन अपनी ज़िंदगी ये सबको मैं बोल रही हूँ <laughs> कि आप अपनी फॉर पूरे जितने काम हो करते हो अपनी जिम्मेवारियाँ निभाओ बट कुछ ना कुछ मी टाइम अपने लिए जरूर रखा करो जिसमें आप खुद वो काम जरूर करो जिसमें आपको वाकई खुशी मिलती है सोशल स्माइल के लिए नहीं आजकल सोशल स्माइल ही रह गई है बस या उस पर फोटोज डालते रहो या दूसरों को कैसे हो आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दस मिनट बाद चाहे आप रो रहे हो ऐसे मत करो अंदर से हंसी कभी निकलनी चाहिए कि आप वाक्य में ही हंस रहे हो मुझे लगता है अब हो गया चलिए धन्यवाद सबका मुझे <laughs> पेशेंटली सुनने के लिए और टच में रहिएगा अगर आपको ये सब कुछ सुनना है तो जैसे उन्होंने बोला था मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं थैंक यू थैंक यू मैम फॉर इन्वाइटिंग थैंक यू रीना मैम फॉर द थॉट प्रोवोकिंग स्पीच एंड आई वुड रिक्वेस्ट रचना मैम टू हर विद एज आर अप्रिसिएशन फॉर हर टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर वी कंक्लूड दिस वंडरफुल इवेंट आई वुड लाइक टू इन्वाइट द को कन्वेनर ऑफ दिस प्रोग्राम डॉक्टर गीता सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ई ओ सी डी टी यू टू गिव अ वोट ऑफ थैंक्स सच्चाई में हम रिलैक्स करेंगे और खुश रहेंगे जैसे मैम ने कहा रीना मैम ने और निर्मल मैम ने भी कहा कि हमें खुश रहना है दिखाने के लिए खुश नहीं रहना हमें अपने लिए खुश रहना है और जिस दिन हमारी इनर खुशी होती है ना वो हमें कहने की जरूरत नहीं होती वो हमारे चेहरे पर होती है हमारी आइज़ में होती है और आप खुश रहते हो तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी खुश रहते हैं आप खुश हो तो कहते हैं ना जब हम खुश हैं तो दूसरा भी हमें देख के तो स्पेशली आएगा कि अरे वो मैम जा रही है उनको नमस्ते करें और मेरा फ्रेंड जा रहा है दूर से देख के हेलो और आप खुद परेशान रहोगी तो दूसरा सोचेगा अरे यार देखा नहीं है नज़रें बचाओ निकल जाओ तो आप अगर खुश रहते हो तो आपका कहते हैं ना आपका और ऐसा है कि आप सबको खुश रखते हो तो मेरा मानना यह है चाहे कितने भी कष्ट है वो अगर हम खुश रहते हैं ना तो वो सारी चीजें पास हो जाती हैं और अगर हम सोचते रहते हैं कि नहीं हम परेशान हैं परेशान हैं तो वो छोटी सी परेशानी और इतनी बड़ी परेशानी होती है लेकिन अगर मैंने सोचा ठीक है यार ये लाइफ का पा पार्ट है ये सब चलता रहता है तो वो बड़ी परेशानी भी हमें छोटी नज़र आती है और हम हंसते हंसते उसको झेल जाते हैं और ये कहना आसान है बट दुख होता है लेकिन अगर हम पॉजिटिव माइंड से देखें तो हर चीज़ ही और अगर अच्छा अच्छा होता रहेगा तो हम खुद ही खुदा नहीं समझ लेंगे अपने आप को तो इसलिए ये लाइफ का ही पार्ट है हर चीज़ उतार चढ़ाव जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पढ़ते थे कर्व भी क्या होती है हमारी जो स्टैंडर्ड कर्व होती है नॉर्मल कर्व पहले वो इंक्रीज़ होती है फिर वो डिक्रीज होती है अगर खाली वो इंक्रीज ही हो जाएगी तो नहीं चलता ना तो हमारे लाइफ में हमें साइन कर्व चाहिए जो उठता भी रहे और बैठता भी रहे ठीक है ना तो हमारे लिए दोनों चीज़ें हैं तो बस वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी अभी हम बस लंच भी रेडी है दो मिनट बस आप लोगों कर लूँगी सबसे पहले तो ऑन दिस सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरनेशनल वोमेंस डे आई थिंक आवर चीफ पैटर्न प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी सर ऑनरेबल वाइस चांसलर डी टी फॉर बींग सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर अस आई थिंक आवर रजिस्ट्रार प्रोफेसर मधुसूदन सर फॉर हिज वैल्यूएबल सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट ऑल द टाइम आई थैंक आवर चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला सिंह मैम बहुत शॉर्ट नोटिस में मैम ने मुझे टाइम दिया और इसीलिए मैंने मैम से कहा मैम आज इस ट्रेस पर अपना लेक्चर देना चाहती थी मैंने कहा मैम हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है आज सिर्फ आप स्पीच दे दीजिए आपका लेक्चर हम फिर रखेंगे और मैम ने हमारे उतने शॉर्ट नोटिस में हमारा वो स्वीकार किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका रखेंगे मैम का ड्यू है क्योंकि मैम कह रही थी मुझे अगर मैं चाहिए तो कम से कम गीता मुझे डेढ़ दो घंटा एक डेढ़ घंटा चाहिए तो मैंने कहा मैम आज हम लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे आपको फिर से टाइम देंगे हमें भी मौका मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम इनवाइट कर सके मैम थैंक यू मैम आई थैंक प्रोफेसर इंदू मैम स्टूडेंट डीन वेलफेयर एंड पीआरओ एंड हर टीम फॉर असिस्टिंग इन एवरी पॉसिबल मैनर फॉर स्मूथ एंड सक्सेसफुल ऑफ़ दिस थैंक यू मैम बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप हमेशा 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 हमारा साथ देते हैं थैंक यू मैम हाँ आज भी फॉर एग्जांपल हमारी कैंडल नहीं मिल रही थी मैम जैसे ही आपने कैंडल दी हमारी भी चारों कैंडल मिल गई उनको थैंक यू मैम आई थैंक प्रोफेसर राजेश्वरी पांडे मैम डीन यूजी डीटीयू थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच आपकी प्रेजेंस से है ना मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रही थी तरह कि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्हें देख के मन करता है मुझे लगता है इस इस कॉलेज में सबसे पहले जो मेरा इस तरह का इंट्रेक्शन हुआ वो राजेश्वरी मैम से हुआ और उसके बाद सेकंड मेरा रचना मैम से हुआ उसके बाद इंदू मैम और महाजन मैम उनके बाद जुड़ती गई लेकिन जो मेरा फर्स्ट जो हुआ था वो सबसे पहले मुझे राजेश्वरी मैम के साथ इतना कंफर्टेबल फील होता था कि हर चीज उनको जाके बोल दो आई थैंक प्रोफेसर राम सिंह सर फॉर मेकिंग अवेलेबल दिस इवेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर वाइड पब्लिसिटी ऑफ द बेनिफिशियल फॉर ऑल आई थैंक श्री अनिल कुमार डिप्टी रजिस्ट्रार जी सेक्शन डी एंड हिस्स टीम फॉर मेकिंग द

दिव्या मैम सॉरी मैं आपका नाम भूल गई दिव्या मैम के बिना कैसे हो सकता है वो हमारा हर चीज़ डी की वेबसाइट पर करती हैं उनके बिना कुछ रह सकता सॉरी मैम आज मैं भूल गई आपका नाम आई ऑल्सो थैंक माई स्टूडेंट वामसी मलिका मीका एंड ऑल पी एच डी स्टूडेंट्स फॉर होल हार्टली एंड इफिशेंटली एट एवरी स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम I also thank all staff members and team members of Equal Opportunity Cell and Environmental Engineering Department, especially Mr. Sachin, Mrs. Sonia, Mrs. Sita, for their excellent effort in helping and managing today's event. I thank all who have contributed and helped in a smooth functioning of this event directly or indirectly thank you thank you very much have a nice day